नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ जब श्री गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ, युद्ध का नतीजा क्या निकला। यह संपूर्ण जानकारियां आपको इसी चैनल में मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आखिर क्यों हुआ भगवान श्री गणेश और परशुराम के बीच युद्ध। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही खास खास जानकारियां मिलती रहें। हिंदू धर्म में सब देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि पुराणों में यह कहा गया है कि गणेश जी से बुद्धिमान और सहनशील देव और कोई है ही नहीं, इसीलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं कि श्री गणेश और परशुराम में आखिर युद्ध क्यों हुआ। दरअसल भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने घोर तपस्या कर भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया था, जिसके बाद भगवान शंकर ने परशुराम को परशु हथियार दिया, जिससे वह धरती पर विधि का कार्य कर सकते थे। तब परशुराम ने धरती पर अपना कार्य पूरा किया। वह भगवान शंकर का धन्यवाद करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उनका रास्ता गणेश जी ने रोक लिया, क्योंकि भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में थे और उन्होंने गणेश जी से किसी को भी उनके पास न आने को कहा था। जब परशुराम जी ने गणेश जी से आग्रह किया कि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं और उनसे मिले बिना वो यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन गणेश जी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। तब परशुराम जी क्रोध में आ गए और गणेश जी से युद्ध के लिए कहने लगे। गणेश जी के पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। तब दोनों के बीच में शुरू हुआ भयंकर प्रयकारी युद्ध। परशुराम जी ने अपनी हर स्तर का इस्तेमाल किया, हर शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन गणेश जी पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। तब अंत में परशुराम जी ने भगवान शंकर से वरदान में मिले परशु से गणेश जी पर वार किया। गणेश जी उसको रोकने में भी सक्षम थे, परंतु वह भगवान शंकर के वरदान का अनादर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस अस्त्र का भार अपने एक दांत पर ले लिया और उनका एक दांत खंडित हो गया। तब माता पार्वती को वह पुकारने लगे और माता पार्वती जी गणेश जी का एक दांत टूटा देखकर क्रोधित हो गई और क्रोध की अग्नि में वह दुर्गा अवतार में आ गई। परशुराम जी भी अब अपनी भूल समझ चुके थे। तब गणेश जी ने माता पार्वती को शांत किया। उन्होंने कहा कि परशुराम जी का क्रोध में आना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने आराध्य देव से मिलने से रोका था। तब माता पार्वती भी शांत हुई और परशुराम जी ने भी अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा कि ऐसी सहनशीलता और आदर उन्होंने किसी और देव में नहीं देखा, इतना ध्यान करने के बाद भी ऐसे महान को नहीं पा सके। परशुराम जी ने यह कहा कि गणेश जी का खंडित दांत व्यर्थ नहीं जाएगा, इससे एक महान कथा महाभारत लिखी जाएगी। और बाद में गणेश जी ने इस खंडित दांत से महर्षि व्यास जी के शब्दों को लिखा। तब से ही गणेश जी को सबसे सहनशील कहा जाने लगा और उनके एक दांत खंडित होने के कारण उनका नाम एक दंत भी पड़ा। उन्हें सबसे प्यारी और विनम्र देव की तरह पूजे जाने लगा। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था परशुराम और भगवान श्री गणेश के बीच में युद्ध। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।